हेलो दोस्तों, आप अगर अमरनाथ जा रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस रूट से आपको बाबा अमरनाथ जी के यात्रा के लिए जाना चाहिए और कहां पर आपको स्टे करना है, हेलीकॉप्टर से भी जाया जा सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको देने वाला हूँ। टाइमिंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस यात्रा में दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर आना है दोस्तों, और जम्मू कश्मीर से बालताल 337 किलोमीटर है दोस्तों, जो कि 9 घंटे का सफ़र है। जम्मू तक आपको रेलवे की सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी, साथ में ही प्लेन की भी। और दूसरा रास्ता है पहलगाम। जम्मू से पहलगाम भी आपको 235 किलोमीटर आपको यह रास्ता पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में आपको आना है दोस्तों, वहाँ से आपको पहलगाम जाना है। 6 घंटे का यह सफ़र रहता है दोस्तों, जो कि आप पर्सनल टैक्सी करके भी जा सकते हो, जो कि हमने की थी। इसके पहले भी मैंने बहुत बार यह यात्रा पूरी की है दोस्तों। गवर्नमेंट की गाड़ियाँ भी मौजूद है दोस्तों, लेकिन जिसके लिए आपको जम्मू सवेरे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि शाम को गाड़ियाँ नहीं निकलती। एक टाइमिंग रहता है, उसके बाद गाड़ियाँ बंद हो जाती है जम्मू टू पहलगाम जाने के लिए। देखिए दोस्तों, अपना लगेज रेलवे स्टेशन पर ही रख दीजिए, क्योंकि जो गलती हमने की थी कि हमने अपना पूरा लगेज पहलगाम के बेस कैंप में रखा था, तो हमको बालताल से वापस आना पड़ा था पहलगाम। 5 घंटे हमको लगे थे दोस्तों, और हमारा एक दिन वेस्ट गया था। लेकिन श्रीनगर हमको बीच में पड़ा था दोस्तों, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। इसीलिए आपको अपना लगेज रेलवे स्टेशन के लॉकर रूम में ही रखना है, ताकि आपको असुविधा न हो दोस्तों। आपको जम्मू से पहलगाम जाते वक्त अलग अलग कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखाई देंगे रोड के, और अभी बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराई जा रही है इस यात्रा के लिए। हर 1 किलोमीटर पर 1 जवान आपको यहां पर तैनात दिखाई देगा। यह यात्रा 1 जुलाई से चालू हो रही है दोस्तों, 17 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, इसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप डायरेक्टली वह वीडियो देख सकते हो दोस्तों। यात्रा शुरू होने से पहले ही पूरी जानकारी आप ले लीजिए, उसके बाद ही यात्रा के लिए जाइए दोस्तों। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आप 2 तरह से जा सकते हो, एक बालताल और एक पहलगाम। लेकिन आपको पहलगाम से जाना है और बालताल से ही आना है दोस्तों, क्योंकि इसका कारण भी है। देखिए, बालताल का रास्ता का डिस्टेंस कम है, लेकिन यह खतरनाक जो है रास्ता है दोस्तों, कभी भी यह गवर्नमेंट बंद कर देती है, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए गवर्नमेंट इस रूट को कभी भी बंद किया जाता है। शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ से जाने की सलाह मैं नहीं दूंगा दोस्तों, यहाँ से आप वापस आ सकते हो। जाने के लिए आपको पहलगाम का रास्ता बहुत ही बेस्ट है, और बहुत ही अच्छे नज़ारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। थोड़ा लंबा है, लेकिन आपका जो है जर्नी बहुत ही यादगार रहेंगी दोस्तों। इसमें सबसे कठिन जो है चढ़ाई, यानी पीसू टॉप, आपको सबसे पहले पहलगाम आना है दोस्तों। हेलीकॉप्टर की सुविधा भी यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों। देखो, 2 तरह से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधाएँ दिए जाते हैं, लेकिन संगम के पास पंचतारिणी में ही यह दोनों पंचतारिणी में ही आपको उतारा जाता है, उसके आगे आपको लेके नहीं जाया जाता दोस्तों। इसलिए याद रखिए, आपको यहाँ से भी आगे में पवित्र गुफा तक जाने के लिए पैदल भी जा सकते हो, या फिर घोड़े की सुविधाएं भी मिल जाती है। देखिए दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, पहलगाम का रास्ता ही बेस्ट है दोस्तों। सबसे पहले आपको चंदनवारी आना है, चंदनवारी से पीसू टॉप, यह थोड़ा सा कठिन रास्ता है। पीसू टॉप का ये जो चढ़ाई है, देख सकते हो, पीसू टॉप से शेषनाग में आपको रुकना पड़ता है। शेषनाग से आप पंचतारिणी में जाना पड़ता है दोस्तों, वहाँ पर आपको स्टे करना पड़ता है। पंचतारिणी से आप पवित्र गुफा के तरफ जाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो अगर बालताल से भी जाते हो और पंचतारिणी से भी आप जाते हो, तो पंचतारिणी में ही आपको वापस लाया जाता है, पंचतारिणी में आपको रुकाया जाता है। बालताल का रास्ता पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा बंद किया जाता है, इसलिए पहलगाम का ही रास्ता बेस्ट है दोस्तों गुफा तक जाने के लिए। और वापस आते वक्त अगर आपको आना है, तो आप पहलगाम के रास्ते से वापस आ सकते हो। बालताल का रास्ता थोड़ा घसरन भरा है, यहाँ से घोड़े पिट्टू चलते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर घसरन पैदा होती है दोस्तों, और लैंडस्लाइड का भी खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके कारण यहाँ से वापस आने के लिए ही ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा, यहाँ से जाने के लिए मैं नहीं करूँगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप जा रहे हो और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बालताल का रास्ता पूरी तरीके से बंद किया जाता है, और आपको बीच में रुकने की कोई भी सुविधाएं नहीं है बालताल के रास्ते से। पहलगाम से अगर आप जाते हो, तो बहुत सारे कैंप आपको वहां पर मिलेंगे स्टे करने के लिए। कैंप की फ़ीस भी अमरनाथ बोर्ड द्वारा फिक्स की जाती है, उतने ही पैसे आपको कैंप के देने हैं। कैंप में आपको पूरी सुविधाएँ मिल जाएंगी, ब्लैंकेट से लेके तो तकिए तक,
खाने पीने की सुविधाएं तो फ्री में ही है, लग्जरी से लग्जरी खाना यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में। बहुत सारे कैंप यहाँ पर लगते रहते हैं भक्तों द्वारा। यहाँ पर सिर्फ पीसू टॉपी है दोस्तों, जो कि बहुत ही कठिन चढ़ाई मानी जाती है, वहाँ से आपको थोड़ा सा संभल कर ही जाना है दोस्तों। ऑक्सीजन की समस्या है यहाँ पर, रहती है दोस्तों, लेकिन जगह जगह पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएंगे। साथ में ही हमेशा बॉटल रखिए पानी की, क्योंकि पानी यहाँ पर महंगा ही मिलेगा दोस्तों। जितना प्राइस दिया जाएगा उससे डबल टिबल भी आपको आपके द्वारा वसूला जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपको शूज़ मिल जाएंगे बहुत ही कम कीमत में, चाल चलाऊ शूज़ आपको मिल जाएंगे अगर आप भूल गए होंगे तो। रेनकोट भी यहाँ पर मिल जाएंगे चाल चलाऊ, लेकिन रेनकोट अच्छा लेना है दोस्तों आपको। कैंप के अंदर आपको हर तरीके इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे अगर आप पहलगाम के थ्रू जाते हो तो। यहाँ पर आपको बाहर में होटल भी मिल जाएंगे पहलगाम के बाहर, लेकिन आपको अच्छी सुविधाएं आपको कैंप में ही मिल जाएंगे अगर आप कैंप में रहना चाह रहे हो। कैंप में नहीं रहना चाह रहे हो तब भी आपको बाहर में होटल्स मिल जाएंगे पहलगाम में, लेकिन कैंप के अंदर आपको सारी सुविधाएं स्वेटर से लेके यहाँ पर जूते तक सब मिल जाएगा यहाँ पे। इस तरह से अलग अलग कैंप रहता है। पानी, गर्म पानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा बहुत ही सस्ते दरों पे, जो भी 10 रुपये 20 रुपये बाल्टी के हिसाब से, तो गर्म पानी से ही आपको नहाना है दोस्तों, ठंडे पानी से मत नहाइए ऐसा मेरा कहना है। तो बेस्ट वे है दोस्तों कि आप पहलगाम के रास्ते से ही जाए, पहलगाम का रास्ता बहुत ही अच्छा है देख सकते हो। और अलग अलग जैसे 16 किलोमीटर चंदनवारी तक है पहलगाम से, फिर पहलगाम से शेषनाग तक आपको जाना है, वहाँ पर स्टे करना है, फिर उसके बाद में आपको पंचतारिणी में जाना है। पंचतारिणी तक जाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी निकल जाइए शेषनाग से, और उसके बाद में पंचतारिणी से निकलने के बाद बाबा के दर्शन कीजिए और वापस बालताल आइए। यही बेस्ट रूट है दोस्तों आपको बाबा के दर्शन करने के लिए। आप अगर ओल्ड एज हो तो आप हेलीकॉप्टर्स के द्वारा भी जाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर के लिए अलग अलग आपके वेबसाइट में, अमरनाथ जी की जो वेबसाइट है वहीं पर आपको पूरी डिटेल जानकारी दी गई है, वहाँ पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और या फिर ऑनलाइन भी आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो हेलीकॉप्टर सुविधा के लिए। ज़्यादा फीस नहीं है दोस्तों, 4 से 5 हज़ार में आपका जाना हो जाएगा, और आने के लिए भी 4 से 5 हज़ार रुपये आपको लगेंगे। लेकिन आपको नेचुरली अगर प्रकृति का लुत्फ़ उठाते हुए जाना है तो पैदल जाइए, या फिर घोड़े के द्वारा भी जाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे कैंप टू कैंप आपको अलग अलग घोड़े लेने पड़ेंगे, और जिसके लिए आपको 2 से 5 हज़ार रुपये तक देना पड़ सकता है दोस्तों। टाइमिंग का थोड़ा इशू है दोस्तों, एक टाइम के बाद आपको कैंप से जाने नहीं दिया जाता, तो ये टाइम नोट कीजिए, इसके बाद आपको कैंप से जवानों द्वारा जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अमरनाथ यात्रा में। सो आशा करता हूँ पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी होंगी। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो तो धन्यवाद।